हरिनगर वार्ड 183 से मोहित चौकन ने आजाद उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन किया। अपने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चौकन परिवार पिछले 3 दशकों से इस क्षेत्र के जन जन से जुड़ा हुआ है। हमने इस इलाके में आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते हुए लोगों की सेवा की है। आज हम जनता जनार्दन के बीच आशीर्वाद रूपी वोट मांगने खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे हरिनगर वार्ड 183 से भरपूर सहयोग मिलेगा और मेरी ही जीत होगी। दिल्ली से संजीव झा की रिपोर्ट। आजाद उम्मीदवार के रूप में हरिनगर वार्ड 183 से मोहित चौकन जी कल नामांकन करके आए हैं। आइए जानते हैं उनसे इस इलाके की समस्या और ये क्या कहना चाहते हैं। मोहित जी बताइए आप। आपका बहुत बहुत आभार। और कल मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और ये पर्चा सब जाति के आशीर्वाद और सलाह मशवरा के बाद किया गया। और दूसरी बात यह है कि अब चुनाव जो है वो मेरा, जब मैं किसी और दल में भी था तो मेरी लड़ाई लेंटर माफियाओं के खिलाफ थी, सफाई ना करने वाले कूड़े माफियाओं के खिलाफ थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थी जो बीजेपी से कनेक्टेड लोग हैं। अब भी मेरी लड़ाई बीजेपी से है कि उन्होंने 5 साल सत्ता में रहे, मेयर हो रहे, विधायक, ये दोनों विधायक और पार्षद ने जो मिलकर कुकर्म किया क्षेत्र के लोगों को लूटा है, मेरी लड़ाई इसके खिलाफ है। और जो और दल के नेता हैं वो इस साइड में है ही नहीं, ठीक है ना। वो इनका ए बी गेम चल रहा है, ये हुंडी में संधि मिली हुई है दोनों की। मेरी डायरेक्ट फाइट बीजेपी से है, उसके कुकर्मों से है जो 5 साल में इन्होंने किया है। 2012 में जब यहाँ से पूर्वांचल के बड़े सम्मानित समाज से भी आदरणीय इंद्र सिंह शाह जी चुनाव लड़े और जीते, 5 साल में एक बार भी एमसीडी नहीं आई। और 17 के बाद ऐसा कि अब एमसीडी को प्रसाद मिल गया, वो मिथिले सिंह और रामायण सिंह के टाइम में आने लग गई, हथौड़े चलने लग गए, मकानों पर लेंटरों पर पैसा जाने लग गया, कूड़े के जो नालियाँ साफ नहीं हो रही है 5 सालों से, उनमें कांच भरा पड़ा वो साफ नहीं कर पाई मेयर रह के। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस बार का चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, महंगाई बेरोजगारी के नाम पे आपको ठगेंगे लोग, मेट्रो के नाम पे ठगेंगे। अगर निगम के अंडर में मेट्रो आती हो, अगर महंगाई कम करने का कोई फॉर्मूला हो और बेरोजगारी कम करने का कोई फॉर्मूला हो तो उसके वो जनता को स्पष्ट रूप से बताएं। और जो विधायक रामवीर सिंह बिलूड़ी हैं ये भी कुछ दिन में एंट्री कर लेंगे क्षेत्र के अंदर, चुनावी एंट्री चुनाव में। भाइयों 2-3 सालों के रामवीर बिलूड़ी को जीते हुए कभी क्षेत्र में किसी के दुख दर्द में नहीं आए, और ये कभी मिथिलेश सिंह जी ये किसी के दुख दर्द में नहीं जाते हैं। अगर कोई बताते हैं मुझे कोई शादी ब्याह किसी के दुख दर्द में, तो मैं आपके हमेशा साथ खड़े होने वाला परिवार हूँ, मैं रहने वाला आदमी हूँ। और दूसरी बात, ये जो चुनाव है इन चुनाव में इन दोनों कैंडिडेटों को मैंने हर मीडिया के चैनल पर कहा कि 20 तारीख दिन इतवार के दिन संडे के दिन ओपन डिबेट कर ले जनता के बीच। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जनता के बीच कि 5 साल में तुमने किसकी कितनी मदद करी है। और ये जो भाजपा के प्रत्याशी है ना, अभी जो पूर्वांचल का अपना नारा दे रहे हैं, ये नारे को भूल जाए, सबसे ज्यादा तुमने नुकसान पूर्वांचल के लोगों को किया है। यहाँ पे तुमने तो पूर्वांचल का कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं जिसके लेंटर पर पैसा ना खाया हो, उसको अगर उसके साथ घात ना किया हो। तो मेरे पूर्वांचल के भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि चुपड़ी चुपड़ी बात करके आपको रिझा रहा हूँ, आपको फैसला करना कि कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिला सकता है और कौन आपका दुख सुख का साथी बन सकता है। इस चुनाव में दूध महंगा हो गया वो सस्ता नहीं हो सकता, पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता, खाने पीने की चीज़ सस्ती नहीं हो सकती, पर आपको अपने बीच का अच्छा आदमी अपना बेटा चुन लोगे तो शायद नाली को साफ करने की सुविधा अच्छी मिल जाए, स्ट्रीट लाइट ठीक करने की सुविधा अच्छी मिल जाए, और गली चौराहे पर कहीं सम्मान करने के लिए, पैर छूने के, हाथ मिलाने के लिए अपने बेटे को एक मौका दे दीजिए, ताकि आपका बेटा आपको नमस्कार चाचा जी करके सम्मान दे सके। मोहित जी, कल तक आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, आज आप इंडिपेंडेंट के रूप में आप जनता के सामने खड़े हैं। सर देखिए, पार्टियों का सरोकार कुछ अब तो है नहीं इस पार्टी का मेरे पास, और मैं पार्टी वार्टी के कमेंट में नहीं जाना चाहता। पार्टी के कुछ लीडरशिप से मिलकर जो प्रत्याशी अभी यहाँ पर, उसने क्या खेल किया है रुपये पैसे का, वो सब जनता बखूबी जानती है। और दूसरी बात, मोहित चौकन को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है अपनी पहचान बताने के लिए। मोहित चौकन, सरजीत चौकन वो लोग हैं जो समाज के लिए खड़े होते हैं। जब स्कूल पे बच्चियों के साथ वो लफंडर लफंगे सामाजिक तत्व भी नहीं करते थे, तो मोहित चौकन और सरजीत चौकन किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं गए थे, अपनी हिम्मत लेके गए थे और आप लोगों के प्यार से उन बच्चियों की रक्षा करते थे। तो आज नशे पत्ते के खिलाफ जब शासन प्रशासन के लोग नहीं बोलते थे, किसी पार्टी के लोग नहीं बोलते, तो सरजीत चौकन और मोहित चौकन बोलते थे कि क्षेत्र में नशा पत्ता बंद होना चाहिए।
मुझे ठीक है कोई पार्टी अपने नाम में सरोकार है उनका वो है अपना क्या कहते हैं बड़ा एजेंडा हो सकता है बड़ी टीम हो सकती है पर मेरे पास भी लोगों का दिल है लोगों का प्यार है मेरे पास भी बड़ा कुनबा है लोगों का और हर समाज का पूर्वांचल मिथिलांचल भोजपुरी अवधि यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान हर समाज का केरल हर अखंड भारत का आदमी मोहित चौकर के साथ खड़ा है आपके साथ और मैं आपसे कह रहा हूँ क्षेत्र के अंदर तीन चार काम आते हैं निगम के सफाई आपको 15 दिसंबर से अव्वल नंबर में मिलेगी क्षेत्र के अंदर 200 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की जो कूड़ा उठाई और सफाई की व्यवस्था चल रही है ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। तीसरा लेंटर पे 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा लोगों को जो लेंटर की लुटाई पिटाई है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। चौथा मान सम्मान मिलेगा और जो हमारी बहन बेटियाँ जो स्कूल जाती हैं छोटी छोटी बच्चियाँ उनके साथ जो अवध व्यवहार रोड पर करते ना नफंगे इनके अंदर भी सबसे पहले सुधार करना और नशा पत्ता बंद कराना अपने क्षेत्र में। और रिक्वेस्ट है पत्रकार जी एक बाइट को चला दीजिएगा मेरी को 20 तारीख दिन इतवार के दिन दोनों प्रत्याशियों को खुला चैलेंज है जनता डिबेट का जनता दरबार में आइए और डिबेट करिए। 5 साल में आपने कोरोना में किसको मदद करी है लोहिया पुल पर जब खराब था लोहिया पुल उसके अंदर जब हमारे लोग मेहनत कमेरे वर्ग के लोग जब ओखला के लिए ड्यूटी पर जाते थे अगर उस पर खतरा रहता था तो उसको बार बार समय समय पर रिपेयर करवाने का काम संजीत चौकर ने अपनी जेब से किया ना तो मिथिलेश सिंह आया ना अनामिका सिंह आई ना वो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आया। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है मदद।